हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपने सेकंड लेक्चर के साथ ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें हम बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन देते हैं। हम किसको इंट्रोडक्शन देते हैं? रिप्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन देते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने जान लिया था कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो मेन टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। हमने एसेक्सुअल स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसमें हमने कुछ एक देख रखे थे ऑलरेडी। लास्ट क्लास के अंदर लास्ट में हमने किया था बडिंग। बडिंग जो होता है वो एक आउटग्रोथ होता है पैरेंट बॉडी के अंदर, जो कि खुद सेपरेट आउट हो जाता है आपके मेन पेरेंट बॉडी से और एक डॉटर सेल इंडिविजुअल लाइफ अपनी लीड करता है। ठीक है, होपफुली आपको लास्ट क्लास जो था वो क्लियर था। तो आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दैट इज योर फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, देखिए हमने लास्ट क्लास में ये बात ऑलरेडी डिस्कस की थी कि बडिंग में क्या होता था कि एक छोटा सा आउटग्रोथ होता था पेरेंट बॉडी में, जो कि उससे अलग हो जाता था। फिर वो जो बड था वो ग्रो करके एक इंडिविजुअल लाइफ लीड करता था और पेरेंट बॉडी जो था वो इंडिविजुअली खुद भी एग्जिस्ट करता था। तो अब चलिए हम फ्रैगमेंटेशन के बारे में समझते हैं। इसमें देखिए अंतर यही है बडिंग से कि जो पेरेंट बॉडी है, जो कि इंडिविजुअल एक पेरेंट की बॉडी है, वो मैच्योरिटी गेन करने के बाद, ठीक है, मैच्योरिटी गेन करने के बाद अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेगा, फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में तोड़ लेगा और हर एक टुकड़ा जो है वो ग्रो करके अपनी इंडिविजुअल लाइफ लीड करेगा। और बडिंग में क्या होता था, एक छोटा सा बड होता था, वो एक इंडिविजुअल की तरह अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करता था, पर आपका जो पेरेंट बॉडी था वो भी सर्वाइव करेगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है वो अपने आप को ही तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है। वो तीनों हिस्से क्या करते हैं, डॉटर सेल में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ग्रो करते हैं और अपनी इंडिविजुअल लाइफ को लीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फ्रैगमेंटेशन, पेरेंट्स ब्रेक्स इंटू मल्टीपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी। यही बोला था आपको कि जैसे ही इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैच्योर हो जाएगी, वो अपने बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में, मल्टीपल पीसेस में तोड़ लेगा। ठीक है, और वो जो हर एक टुकड़ा में तोड़ेगा अपनी बॉडी को, वो हर एक टुकड़ा जो है वो अपने आप को, अपने आप की लाइफ को एक नए इंडिविजुअल की तरह लीड करेगा। ठीक है, अब कहाँ पे पाया जाता है, सीन इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये पॉइंट बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बॉडी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ होते हैं जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि टिश्यू लेवल शो करता है, कुछ होते हैं जो ऑर्गन लेवल शो करते हैं और कुछ होते हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करते हैं। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये पाया जाता है इन बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेसिक मतलब सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके अंदर सेल्स का गुच्छा पाया जाएगा, क्लस्टर ऑफ सेल पाया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, सेल्स तो बहुत सारे हैं इसलिए वो ऑर्गेनिजम्स क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन उनके बॉडी में ये सेल्स जो हैं इकट्ठा होके, ऑर्गेनाइज होके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। टिश्यू का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो ऑर्गन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन सिंपल है, मतलब बस सेल्स मिलेंगे, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल होता है स्पायरोगायरा। ठीक है, तो स्पायरोगायरा में हमने यहाँ पे देखिए डायग्राम बना के देखा है। ठीक है, तो देखिए जो पहला एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ये जैसे ही मैच्योरिटी अटेन करेगा, ठीक है, मैच्योरिटी अटेन करते ही बहुत सारे प्रकार के सेल्स हैं अंदर में। ठीक है, इसे अगर आप ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे ऑर्गन्स होते प्रेजेंट, ठीक है, या फिर ऑर्गन सिस्टम मान लीजिए,
ठीक है, मान लीजिए ऊपरी वाले हिस्से में एक ब्रेन प्रेजेंट होता, तो ऊपर वाला पार्ट जो फ्रैगमेंट में टुकड़ों में टूटता उसमें ब्रेन होता, बस ब्रेन ही जाता उस पार्ट में, ठीक है। तो बस ब्रेन जाने से क्या वो पार्ट अपने आप को इंडिविजुअल लाइफ लीड कर पाएगा? नहीं। ऑलरेडी नॉर्मली है क्या इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स हैं सेल के, गुच्छे हैं सेल के, तो जो पहला टुकड़ा टूटा, दूसरा टुकड़ा टूटा, तीसरा टूटा, ठीक है, सब में सेल्स का गुच्छा ही गया। तो वो तीनों क्या करेंगे, समय के साथ ग्रो करेंगे साइज में, मैच्योरिटी अटेन करेंगे और अपनी लाइफ इंडिविजुअली लीड करने लगेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये एक कन्फ्यूजन होता है, अभी तो पहले आपको फ्रैगमेंटेशन बताया, तो बडिंग और फ्रैगमेंटेशन के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया, ठीक है। अब फ्रैगमेंटेशन के बाद हम रीजेनरेशन करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें उसमें और इसमें भी मिलती जुलती हैं, ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। तो आई होप कि आपको फ्रैगमेंटेशन क्लियर है। इसका कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया क्या, स्पायरो गायरा। नेक्स्ट विल स्टार्ट अप विथ रीजेनरेशन। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मींस एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने में, एक दो तीन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको जन्म देने में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम एसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए हम इसे सेक्सुअल नहीं कहते, हम इसे एसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी आप अगर डायग्राम में देखें तो एक जो पेरेंट है उसकी बॉडी जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट रही है और वो हर एक टुकड़ा बड़ा होके एक इंडिविजुअल की लाइफ लीड कर रहा है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैम यही चीज़ तो फ्रैगमेंटेशन में भी हो रही थी, तो रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में अंतर क्या होगा? ठीक है, तो दोनों में काम एक ही हो रहा है लेकिन एक मेन अंतर होता है। आपके फ्रैगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म था वो मैच्योरिटी अटेन करके अपने बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ता है, यहाँ रीजेनरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट सेल है, एक्सीडेंटली एक्सीडेंट के माध्यम से उसकी बॉडी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाती है, वहाँ पर खुद से डिवाइड करता है तीन चार चार टुकड़ों में। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंटली हो रहा है जो भी हो रहा है, यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है। इसको आप अच्छे से याद करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो रीजेनरेशन, पेरेंट इफ कट और ब्रोकन, या तो कट गया, एक्सीडेंट हुआ, या तो कट गया, या तो टूट गया, ब्रोकन, ठीक है, या तो टूट गया इनटू मल्टीपल पीसेस, ठीक है, हम मल्टीपल पीसेस की बात कर रहे हैं। ये जो मल्टीपल पीसेस हमें मिले हैं, ठीक है, वो हर एक मल्टीपल पीस जो है वो कैसे मिला है हमें यहाँ पे रीजेनरेशन में, एक्सीडेंटल प्रोसेस से, ठीक है। और वो हर एक जो पीस है वो जन्म देगा एक नए इंडिविजुअल को। ये आपका डिराइव कहाँ से हुआ है, सेल थ्योरी से। जो ओल्ड सेल्स थे वही जन्म देते थे आपके नए सेल्स को, जन्म देते थे आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। पेरेंट को जब वो कटेगा या टूटेगा मल्टीपल पीसेस में आफ्टर एन एक्सीडेंटल प्रोसेस, ठीक है, तो ईच पीस टूट गया, ठीक है, मल्टीपल पीसेस में, तो क्या होगा आगे, ईच पीस गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल, नए प्राणी को, उसी सेम स्पीशीज की, उसको जन्म देगा, ठीक है। और ये होता क्या है, दिस इज एन एक्सीडेंटल प्रोसेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है, ज़्यादातर इसके अंदर वर्म्स आते हैं, ठीक है। अब वर्म्स मान लीजिए कोई वर्म है, गाड़ी चल गई उसके ऊपर या आपका पाँव लग गया, टूट जाता है, कट हो जाती है बॉडी, ब्रोक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो हर एक पार्ट होता है वही हर एक पार्ट एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, लेकिन वो पार्ट्स बने कैसे, वो पार्ट्स बने विद द हेल्प ऑफ एक्सीडेंटल प्रोसेस। चलिए जरा देखिए इसके एग्जाम्पल्स, फ्लैट वर्म, हाइड्रा एंड टेप वॉर्म। मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर जो रीजेनरेशन वाला प्रोसेस होता है ये भी लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही, और ज़्यादातर ये पाया जाता है इन केस ऑफ वर्म्स, ठीक है। देखिए ये जो मेन वर्म है,
शुरुआत वाले पार्ट में देखिए, मिडिल सेगमेंट में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये टूट गया तीन हिस्सों में, ठीक है। एक्सीडेंटली दिस इज कट और ब्रोकन इनटू मेन थ्री पीसेस, ठीक है। तो ये जो हमने हाईलाइट किया है, ठीक है, ऊपर वाला जो नेक्स्ट हमने हाईलाइट किया है, ऊपर वाला पार्ट जो हमने हाईलाइट किया है वो आया है मदर ऑर्गेनिज्म से। सेकेंड वाले में देखिए मिडिल वाला पार्ट को हाईलाइट किया, वो भी कहाँ से आया है, मदर ऑर्गेनिज्म में। और नीचे वाले में पोस्टीरियर पार्ट को हाईलाइट किया है, वो आया है आपके मदर से, मदर सेल से, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे डेवलप होंगे और ये मैच्योरिटी अटेन करेंगे टू बिकम अ न्यू इंडिविजुअल, जो कि बना है कहाँ से, विथ अ पेरेंट विच इज कट और ब्रोकन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंटल प्रोसेस। और ये जो पूरा होता है ये, इस प्रोसेस को हम रीजेनरेशन कहते हैं। तो आई होप अब आपको बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन के बीच में डिफरेंसेस पता होंगे, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ योर स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं विथ योर स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आप ज़रा याद करिए, 11th स्टैंडर्ड में हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर किया था, हमने उसमें फंगस की बात की थी। तो ज़्यादातर केसेस में ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये एल्गीज में होगा या तो आपके फंगस में होगा, ठीक है। आगे हम एग्जांपल्स और लेंगे, लेकिन ये आपने स्पोर्स वहाँ भी देखा था, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं जिस बॉडी के अंदर पैक्ड होते हैं, वहाँ हमने बात की थी, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को जिसके अंदर ये स्पोर्स पैक्ड होते हैं उसे हम कहते थे स्पोरेंजियम कहते थे। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या पैक्ड थे, गोल गोल छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, बॉडीज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोर्स, ठीक है। तो स्पोर्स के बारे में ज़रा सा बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स बनाया किसने, आपके पेरेंट ने, ठीक है, पेरेंट ने स्पोर्स बनाया, स्पोरेंजियम के अंदर वो पैक्ड हुआ, ठीक है। छोटे छोटे माइन्यूट स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉडीज होते हैं, ठीक है। जैसे ही रप्चर होगा आपके स्पोरेंजियम का, ये स्पोर्स रिलीज होंगे, और स्पोर्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो छोटे साइज से कैसे एक नया इंडिविजुअल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, वो जो छोटे स्पोर्स होते हैं वो धीरे धीरे, ठीक है, बहुत ही कम स्पीड में वो जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने का मतलब, आप लोगों ने स्प्राउट्स खाए होंगे, जर्मिनेट करते हैं वो, उनका साइज इंक्रीज होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं और फिर इनका साइज धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद ये नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर से, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब ये स्पोर्स होते क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिसेलुलर बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो कि एक सेल से बनी हुई है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर बॉडीज, इन द पेरेंट दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग इंटू अ न्यू इंडिविजुअल आर स्पोर्स, ठीक है। यूनिसेलुलर बॉडीज एक सिंगल सेल का बना हुआ, ठीक है। अब कहाँ प्रेजेंट हुआ ये, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो स्पोरेंजियम बन रहा है पेरेंट की ही बॉडी में बन रहा है। तो इन द पेरेंट दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग, ये केपेबल है तभी तो ये जर्मिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग इंटू अ न्यू इंडिविजुअल, एक नए प्राणी को, ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। तो ये जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर बॉडीज है जो कि पेरेंट के ही बॉडी में प्रेजेंट हैं, और इसके पास अपनी एक क्या ताकत होती है, ये ताकत रखता है कि ये ग्रो कर सकता है और ये एक नया इंडिविजुअल भी बना सकता है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को, इन यूनिसेलुलर बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ज़रा ध्यान से डायग्राम को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके फंगस का डायग्राम बनाया है, ठीक है। फंगस में हाइफीज होते थे, याद है, दो टाइप के हाइफीज होते थे, तो एक बेस वाला हाइफी और उसमें से और हाइफीज ग्रो कर रहे हैं। ऊपर में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं,
ठीक है, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो स्वेल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, वो हुआ आपका स्पोरेंजियम। उसके अंदर जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर्स मतलब यूनिसेलुलर बॉडीज, ठीक है, वो हैं आपके स्पोर्स। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो स्पोर्स होते हैं, इनका एक फीचर होता है कि ये यूनिसेलुलर होता है। डायग्राम में आपको दिख रहा है यूनिसेलुलर बॉडीज है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे नॉर्मली पेरेंट बॉडी में ही प्रेजेंट है। तो ठीक है, इनका रिलीज कैसे होगा, ये जो स्पोरेंजियम है ये फटेगा, रप्चर होगा, इसके रप्चर होते ही, इसके फटते ही इन यूनिसेलुलर बॉडीज और इन स्पोर्स का रिलीज होगा। रिलीज होते ही ये क्या करना शुरू करेंगे, जर्मिनेट करना शुरू करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद इनका काम क्या है, दे हेल्प इन गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो आई होप कि आपको स्पोर फॉर्मेशन क्लियर है। ठीक है, तो अब स्पोर्स जो हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम अब बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम के मतलब से भी समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ योर कोनिडिया एंड योर जू स्पोर्ट्स। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको स्पोर्ट्स के बारे में जस्ट लास्ट हैंड रिटन कॉपी में हमने बात की थी स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है आपका कोनिडिया, दूसरा है आपका जू स्पोर्ट्स। इस कोनिडिया के बारे में हमने आपके स्टैंडर्ड 11th में बात करी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए बात ये करते हैं, समझते हैं हम कि कोनिडिया कहाँ पाया जाता है। ये जो स्पोर्स होते हैं, ये एग्जाम्पल्स दोनों ही जो हम पढ़ेंगे, दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं स्पोर्स के। ठीक है, तो ये जो कोनिडिया है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, किसके, फंगस के। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि आपने पढ़ा कहाँ था, ये आपने फंगस में पढ़ा था लास्ट ईयर 11th वाले स्टैंडर्ड में। ठीक है, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। नॉन मोटाइल मतलब क्या, ये मूवमेंट नहीं कर सकते, इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ठीक है, और किनके स्पोर्ट्स होते हैं, ये फंगस के स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, फंगस के स्पेसिफिकली पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का जो साइंटिफिक नेम था दैट वॉज योर पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलियम किसके अंडर आता था, एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, तो पेनिसिलियम आता था किसके अंदर, एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, अब इनको एक और नाम दिया गया है, इन कोनिडियास को, इनको हम माइटोस्पोर्स भी कहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी, कोशिश करिएगा अच्छे से याद करने की। ठीक है, तो ज़रा सा ध्यान दीजिए हमारे डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फंगस का जो बेसिक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे कि ये बने होते हैं, दैट इज़ हाइफा। जस्ट अभी लास्ट क्लास में हमने बात की थी, लास्ट सॉरी हैंड रिटन कॉपी में। तो ये जो हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, या आगे ब्रांच होंगे। ठीक है, तीन ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको डायग्राम में। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, उन ब्रांचेस को हम कहेंगे कोनिडियोफोर। ठीक है, अब कोनिडियोफोर के एंड्स पे ऐसे बल्ब लाइक छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, वही है आपका कोनिडिया। कोनिडिया होता क्या है, वो स्पोर्स होते हैं जिसको जन्म देते हैं, जो जन्म देते हैं आपके फंगस को। ठीक है, ये भी जैसे ही रिलीज होंगे वहाँ से, धीरे धीरे जर्मिनेट करेंगे और किसको जन्म देंगे, पेनिसिलियम को। ठीक है, पेनिसिलियम का साइंटिफिक नेम था आपका पेनिसिलियम नोटेटम, और दूसरा नाम क्या था इनका, कोनिडिया का, माइटोस्पोर्स। ठीक है, और ये जो है ये मूव नहीं कर सके, क्योंकि हम दूसरा वाला जो देखने वाले हैं वो मूवेबल है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे आप। अगला है जू स्पोर्ट्स। ठीक है, अब जू स्पोर का डायग्राम देखिए, काफ़ी डिफरेंट है आपके पहले वाले से, कोनिडिया वाले से। ठीक है, तो ये जो जू स्पोर्ट्स हैं, ये जो जू स्पोर्ट्स हैं, ये एक रेजिस्टेंट आउटर बाउंड्री के अंदर पैक्ड होते हैं, एक पेरेंट सेल के रेजिस्टेंट आउटर बाउंड्री के अंदर पैक्ड होते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैं समझाऊंगी, चलिए पहले हम जू स्पोर्ट्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मोबाइल स्पोर्ट्स, मोबाइल स्पोर्ट्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके
पास अपना अपना एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है इनके पास? जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है इनके पास उसे हम कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, तो यूजेस फ्लैजेलम फॉर लोकोमोशन। ये जो स्पोर्स हैं ये मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को, इसीलिए इनको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लोकोमोशन करते हैं, और लोकोमोशन के लिए इनके पास कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? फ्लैजेलम। ठीक है, अब किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं? यूज एज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर? फॉर सम एल्गी, कुछ एल्गी में, कुछ बैक्टीरियाज में, और कुछ फंगस में। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनका जो स्पोर्स है जो कि मूवेबल है और कंपैरेटिवली आपके कोनिडिया से बड़ा भी है। ठीक है, डायग्राम की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इतने जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं गोल गोल गोलाकार, और हर एक ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर के ऊपर आपको दो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये फ्लैजेलम हैं। तो ये गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं। ज़ूस्पोर्स जितने भी फिटेड इन होते हैं, कहाँ फिटेड इन होते हैं? ये आपके एक रेजिस्टेंट बाउंड्री के अंदर पहले फिटेड इन होते हैं, फिर उसका जैसे ही रप्चर होता है ये बाहर रिलीज होते हैं। तो जो बाउंड्री है वो रेजिस्टेंट होती है, जो कि इन ज़ूस्पोर्स का प्रोटेक्शन करती है। ये जो बाउंड्री है ये है क्या? इसे हम कहते हैं पेरेंट सेल, और इसे जो हम दूसरा नाम देते हैं, इसे हम दूसरा नाम देते हैं स्पोरांजियम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ज़ूस्पोरांजियम। ठीक है, क्योंकि ये ज़ूस्पोर्स को जन्म दे रही है इसीलिए हम इन्हें ज़ूस्पोरांजियम भी कहते हैं। सो आई होप कि आपको कोनिडिया और ज़ूस्पोर्स के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा और स्ट्रक्चर भी आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं विथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है अभी। देखिए, अगला हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ये एक टाइप होता है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर नाम से अगर सब हम समझने की कोशिश करें, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? वेजिटेबल वर्ड से। ठीक है, तो वेजिटेटिव, तो स्पेसिफिकली ये जो मोड होगा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये जो मोड होगा दिस विल बी स्पेसिफिकली ऑफ योर प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाएगा। ठीक है, हम ब्रीफ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, और फिर आपके अगले चैप्टर में इसे और विस्तार में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, दिस इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब क्या? इसमें भी एक प्लांट इन्वॉल्व होगा इन गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। दो मेल और फीमेल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आता किसके अंदर है ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर आ रहा है तो इसीलिए ज़्यादातर आप नाम क्या दे सकते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं कि किसको कहते हैं आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, प्लांट पार्ट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक प्लांट, ठीक है, बॉडी से मान लीजिए स्टेम का कोई पार्ट डिटैच हो गया, या रूट का कोई पार्ट आपने मतलब डिटैच हो गया, या लीव्स का कोई पार्ट डिटैच हो गया। डिटैच होने का मतलब क्या होता है? अलग होना। ठीक है, तो अगर ये पार्ट्स डिटैच हो गए, अब देखिए प्लांट का अपना एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, इस कैरेक्टर को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। अब टोटिपोटेंसी क्या होता है? टोटिपोटेंसी का ये मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स विच हेल्प्स देम इन गिविंग राइज टू न्यूअर प्लांट्स विथ एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट का किसी भी हिस्से की मदद से आप एक नया प्लांट उपजा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए,
ठीक है, ये जो आपका फील्ड आया, दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। प्लांट पार्ट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स, अब देखिए पेरेंट जो प्लांट है उसी के कुछ कुछ हिस्से जो अलग हो जाते हैं और उसी से एक नया प्लांट उपज जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सॉइल इरोजन आपने देखा है, उसके बाद फिर कोई भी एक छोटा सा बीज, पौधे, टहनियाँ, ये सब उड़ के आती है ना हवा से, आके कहीं पे भी इम्प्लांट हो गई और उसी छोटे इम्प्लांट पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है। इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह रहे हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर नेचुरली ये जो पार्ट्स हैं, जो कि आपके रूट था, आपका स्टेम था, आपके लीव्स थे, ये जब नेचुरली कहीं से कहीं आके इसके वजह से एक नया प्लांट की उपज हो गई, अगर ये नेचुरली होगा, ठीक है, अगर ये नेचुरली होगा तो इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम नेचुरल कहेंगे। अब देखिए, ह्यूमंस को पता चल चुका है कि ऐसे करने से हम बहुत ज़्यादा उपज करवा सकते हैं, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, धन धान्य के लालच में, खेती फार्मिंग करने के भी लालच में वो क्या करते हैं, वो खुद से ये सारे पार्ट्स को निकालना शुरू करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीव्स, और इन्हें इनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं इन फार्मिंग एंड प्रोपगेशन, ठीक है। तो इस प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आर्टिफिशियल, जिसमें कि हम ह्यूमंस अपना रोल प्ले करते हैं, नेचुरली नहीं हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है, तो इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कटिंग, दूसरा आता है आपका लेयरिंग, तीसरा आता है आपका ग्राफ्टिंग। ऐसे नाम सुन के आपको क्लियर अभी पूरे तरीके से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो जितना भी हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला है और आर्टिफिशियल बोला है, ठीक है, तो इन सारे को हम एक एक करके लेंगे, ठीक है। तो इन सारों को जब हम एक एक करके लेंगे तो आपको ये बेटर क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। तो हम अभी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। अब देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल मेथड से, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल मेथड्स में प्लांट्स के रूट की मदद से जब होता है तो क्या होता है असल में, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप रूट्स को देखें, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो स्वीट पोटैटो अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्वीट पोटैटो मतलब जो आलू के शेप का होता है, बट दैट इज़ अ बिट स्वीटर, थोड़ा सा मीठा होता है, तो उसके जो रूट्स वाले पार्ट होते हैं उसमें छोटे छोटे आपको स्वेलिंग्स दिखेंगे। वो जो स्वेलिंग्स होते हैं, फूले हुए हिस्से होते हैं, उन्हें हम बड्स कहते हैं, ठीक है। तो बड्स डेवलप इन थिक फ्लैशी रूट्स, ठीक है। तो ये जो रूट्स होते हैं उनमें कुछ कुछ बीच में जो पार्ट्स होते हैं वो स्वेल्ड होते हैं, उन्हें हम बड्स कहते हैं, दैट इज बड ऑब्वियस, ठीक है। लेकिन ये रूट्स के पार्ट हैं, तभी ये बाय रूट्स वाले पार्ट में आ रहे हैं, बाय रूट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एक छोटा सा बड का डेवलपमेंट होता है, तो वो थिक होता है और फ्लैशी होता है, ठीक है। तो ये थिक और फ्लैशी क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में फूड का सोर्स थोड़ा थोड़ा हर जगह ही स्टोर्ड होता है, ठीक है। जो भी प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के बाद, उसको पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वो हर एक जगह स्टोर हो सके और हर एक पार्ट को उसको ही वो यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये जो वही फूड के पार्ट्स हैं वही वो वहाँ जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। तो विच लेटर व्हेन पुट इनटू सॉइल डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो यही जो बर्ड्स हैं जो कि थिक फ्लैशी रूट्स के साथ होते हैं, उनके अंदर फूड भी स्टोर्ड है, ठीक है, और उनको जैसे ही निकाल के हम डालेंगे सॉइल के अंदर तो ये किस चीज़ में डेवलप हो जाएंगे। हम बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स से जैसे ही एक नया प्लांट उपज जाता है, एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो
ये इसको हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स, बाय रूट्स। ठीक है, किन किन कौन से प्लांट्स में, कौन से फ्रूट्स में सबसे कॉमनली बाय रूट्स देखा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? तो दैट इज़ योर ग्वावा, नेक्स्ट इज़ योर स्वीट पोटैटो, एंड द लास्ट वन इज़ योर डालिया। ठीक है, डालिया फूल, ठीक है, इसका भी लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, नहीं तो खुद ही नेचुरल मेथड से ही वो ट्रांसपोर्ट होकर आप नए पौधे देख लेते हैं एक ही गार्डन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज़ योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। ठीक है, स्टेम वाला जो पार्ट होता है उससे कैसे हम नए प्लांट्स की उपज करते हैं, कैसे होता है? ठीक है, तो स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव ग्राउंड, नॉर्मली जो स्टेम वाला पार्ट होता है प्लांट्स का वो वर्टिकली स्ट्रेट एकदम सनलाइट के डायरेक्शन में सीधा खड़ा ऐसे ग्रो करता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनके जो स्टेम पार्ट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली, मतलब लेटे हुए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जस्ट ऑपोजिट, वर्टिकल का जस्ट ऑपोजिट, तो वो हॉरिजॉन्टली भी ग्राउंड लेवल के एकदम पैरेलल वैसे भी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो वो फूला हुआ सूजा हुआ नोड्स वाला जो पार्ट होता है वो स्वेल्ड होता है। ठीक है, तो वो हेल्प करते हैं इन ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। तो देखिए, स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव ग्राउंड, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली, किन किन में देखा जाता है? ये ग्रास में देखा जाता है, स्ट्रॉबेरी में देखा जाता है, आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अनियन भी है, नॉर्मल आपका पोटैटो भी है, वहाँ पे स्वीट पोटैटो की बात की थी, यहाँ पे हम पोटैटो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपका पोटैटो है उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें ऐसे आप कुछ समय के लिए अगर उसे छोड़ दीजिए, बहुत दिन तक यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें देखते हैं कुछ ब्लैक ब्लैक बड्स ग्रो कर जाते हैं, वो बड्स भी हेल्प करते हैं इन ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, फिर कुछ ऐसे कटे कटे हिस्से दिखते हैं, दैट आर योर आईज। ठीक है, तो ये सारे जो हैं दीज आर योर मॉडिफिकेशन ऑफ योर स्टेम पार्ट्स विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ न्यूअर प्लांट्स। ठीक है, अब यही आप देखिए आपके अनियन में। ठीक है, अनियन दिख रहा है आपको, तो ये देखिए यहाँ पे जो स्टेम वाला पार्ट है, स्टेम वाले पार्ट से नीचे आपको कुछ कुछ आउटग्रोथ्स दिख रहे हैं जो कि आपका बल्ब वाला है। ठीक है, तो ये जो आप अगर बात करें पोटैटो में, तो ये दिस इज़ द ग्रोथ ऑफ ट्यूबर, यहाँ पे जो हो रहा है दिस इज़ द ग्रोथ ऑफ योर राइजोम। ठीक है, तो ये जो ऊपर में है ऐसे अलग अलग जो लेयर्स होते हैं आपके अनियन के, तो ये होता क्या है, स्केली लीफ। आप अगर बेस की तरफ देखें तो वो आपका है एक्सिलरी बड, एंड वाला पार्ट जो है जिससे कि ये सारा कुछ जॉइंट है जिससे सारों का ग्रोथ हो रहा है, ये हुआ आपका डिस्क वाला पार्ट, और नीचे जो छोटे छोटे आउटग्रोथ्स हैं दिस इज़ योर बल्ब। ठीक है, तो यही हेल्प करेगा, दिस इज़ द ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ योर स्टेम ऑफ योर अनियन। ठीक है, ये भी किस चीज़ में हेल्प करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे विथ योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द हेल्प ऑफ योर लीव्स, और हम स्टार्ट करेंगे विथ योर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टडी वेल।